अस्सलामु अलैकुम जी, मोहम्मद अब्बास मुसाफिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं जब भी गांव में आता हूं तो आपको गांव लाजमी दिखाता हूं। ये देख रहे हैं जी, सुबह सुबह का वक़्त है, जानवरों के लिए चारा काटा जा रहा है और ज़मीन हमवार की जा रही है ट्रैक्टर की मदद से। तुलुए आफ्ताब का खूबसूरत मंज़र, ख़ासकर उन दोस्तों के लिए जो लेट उठते हैं या वो शहर में रहते हैं, इसलिए वो इस मंदिर से अक्सर महरूम रहते हैं जी। और देहात में तो ये मंदिर अक्सर देखने को मिलते हैं। सूरज तलू हो रहा है, ताज़ा ठंडी हवा है जी, और परिंदों की चहचहाहट है जी। आ रहे हैं साढ़े नंबरदार साहब, देखो जनाब दुध रखे इन्होंने फिरते। रोजे ने लाजमी चेक कर दे, खालस पानी तो नहीं है। देखो जी हम रोजा तुसा खोलना, खोल लवो यही है ना। और ठीक ठाक खैरियत है। सुनाओ नवी ताजी। भाजी नवी ताजी की हुण ते मौसम ही नवा ताजा बनया, सारा कणक वाला ते अपना वड्डा कट्टा करन वाला काम है। गंदम दी कटाई तो हो रही है। गंदम दी कटाई हो रही है, मशीनां वाला काम चल रहा है। बिल्कुल है, पिछे कटाई भरियां वगैरह बज्जियां ने। जी जी बिल्कुल, ये तो हुण उत्थे जाओगे उत्थे होर भी भरियां तुहानूं ज्यादातर वो होणगियां। अच्छा, कई लोग आंदे ने जी खुला दुध गंदा दुध, टीवी ते बड़ी मुहिम चल रही है। ए सब बनावटी गल्लां ने, असल नकल नकल हुंदा खुदा दे बंदे। अच्छा, डब्बे वाला दुध नकल हुंदा है? डब्बे वाला दुध नकल हुंदा है? डब्बे वाला दुध ही नकल ही समझ लवो जी, समझ ले। हुण ताजा कढ के आंदा है, ऐ हुण तुहाडे सामने आया। ए नकल हो गया जिहड़ा डब्बे वाला असल बना छड़ दे। हाय 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 जी, नंबरदार साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब जी, थैंक यू। चलो तुसीं आउंदे आ फिर उत्थे। चलो ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਦਿਹਾਤ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਹਾ ਦਨਗਾ ਸਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ। देहाती लोग सुबह उठते हैं, अपने मामूलात में मसरूफ हो जाते हैं। आज ब्लेड तो पाफी ना गल कराई। जदीद ज़रई तकनीकों का इस्तेमाल अब देहात में भी आम है। ये आप देख रहे हैं काली तोरी का खेत है। काली तोरी और ये इसके खूबसूरत तीता से फूल हैं। ये आप सब देख रहे हैं बड़ी तकनीक के साथ
किस तरह रस्सी बांधी गई है, बांस वो खड़े किए गए हैं और फिर उनके ऊपर छोटे छोटे जाल लगाए गए हैं और ताद नगाह देख रहे हैं आप, खेत है। जदीद ज़रई महारतें इस्तेमाल में लाई गई हैं और लानी भी चाहिए जी। गांव का सादा और खुला माहौल, कौवे कौवे बड़े घूम रहे हैं। जिस तरह देहात में तुलुए आफ्ताब का मंजर बड़ा ही दीदा जेब दिलफरेब और खूबसूरत होता है, इसी तरह देहात में गुरुबे आफ्ताब का मंजर भी बहुत ही दिलकश और खूबसूरत होता है। आप कभी इसका नज़ारा ज़रूर कीजिएगा। लो जी दोस्तों, जिन्होंने पाकिस्तान से और बैरून ममालक से देहात की वीडियो बनाने का कहा था, उनकी फरमाइश पूरी कर दी है और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ देहात पे बनाऊंगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।